हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नीलम है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज मेरा दोपहर से शाम तक का रूटीन। तो मैं बच्चों को ले आने के बाद यूजुअली उनको खाने के लिए जो देती हूँ वो फ्रेश ही बनाती हूँ। तो आज मैं उनके लिए उनकी फेवरेट ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ। आप इसे ब्रेड पिज़्ज़ा भी बुला सकते हो या ब्रुशेटा भी आप इसे कह सकते हो। इट्स वेरी इजी, पिज़्ज़ा से थोड़ा सा कन्वीनियंट है, बहुत जल्दी से बन जाता है और इंग्रेडिएंट मोर और लेस सब सेम ही होते हैं, तो बच्चों को पसंद भी बहुत आता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक छोटा प्याज या बड़ा हो तो आधा सा प्याज चॉप कर लें, जूलियंस में स्लाइस कर लें इस तरह। और एक हरी मिर्ची मैं ले रही हूँ। बच्चे खाएंगे नहीं हरी मिर्ची, लेकिन फिर भी उससे एक ना अच्छे से अरोमा और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। वो मिर्ची इवेंचुअली निकाल के फेंक देते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ही मिर्ची काट देती हूँ। और आधा जैसा शिमला मिर्च मैं इसमें काट के डालूँगी। तो अवन को मैंने लगा दिया है प्री हीटिंग पे, और अब मैं एक बेकिंग ट्रे के ऊपर लगाऊंगी पार्चमेंट पेपर। उसको लाइन करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके ऊपर जो लार्जर साइज़ वाले सैंडविच ब्रेड जो होता है, नॉर्मल ब्रेड, ऐसे मैं तीन स्लाइस ले रही हूँ। तीन चार जितना भी आप चाहें एक बार में लगा सकते हैं, मैं तीन ले रही हूँ। इसके ऊपर फिर सबसे पहले स्प्रेड करूँगी मैं जो मेरा पिज़्ज़ा सॉस है। मैं यहाँ फन फूड्स बाय डॉक्टर ओटकर का जो पिज़्ज़ा सॉस आता है, ये पास्ता में भी जाता है, ये एक एक चम्मच तीनों ब्रेड के ऊपर सबसे पहले इसका लेयर करूँगी। आप चाहें तो एक चम्मच से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपके बच्चों को कैसा पसंद आता है। मेरे बच्चे लोग जैसा खाते हैं उसके हिसाब से एक एक चम्मच काफ़ी होता है। तो मैं इसको इवनली सब तरफ स्प्रेड कर दूंगी, पहले एक अच्छा सा बेस बन जाएगा। और आपका पिज़्ज़ा सॉस का क्वालिटी बहुत मैटर करता है। अगर अच्छा आपका सॉस है तो बच्चे लोग बहुत चाव से खाते हैं। मैं इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर ओटकर का ही लेकर आती हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बैलेंस स्वीट एंड बैलेंस सावर। तो सॉस लगा देने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चीज़। ये है चेडार प्लस मोज़रेला चीज़। प्रोसेस चीज़ मैं यहाँ नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं लगता है पिज़्ज़ा में। अगर आप थ्री चीज़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं या टॉप कर रहे हैं तब चलता है प्रोसेस चीज़। अदरवाइज़ कोशिश करें कि आप मोज़रेला चीज़ ही यूज़ करें, ये कन्वीनियंटली अवेलेबल भी है। तो मैं सबसे पहले मोज़रेला प्लस चेडार चीज़ के जो क्यूब्स हैं ये इसके ऊपर लाइन करूँगी। और बच्चे लोग के लिए बना रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप चीज़ की मात्रा अच्छी ही डालें, क्योंकि चीज़ में छुपा के आप उन्हें कुछ भी खिला देंगे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। तो क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं अच्छे से चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर आप लगा दीजिए आपके सारे टॉपिंग्स। आप जो चाहे वो टॉपिंग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ अनियन, कैप्सिकम और फ्यू ग्रीन चिलीज़ ले रही हूँ। मैं पिज़्ज़ा में बेसिकली एलोपिनोज और ऑलिव्स भी डालती हूँ, पर क्योंकि मेरे बच्चे लोग नहीं पसंद करते हैं तो उनके लिए मैंने नहीं डाला है। इवेंचुअली उनको सब कुछ निकाल के फेंक ही देना है, तो उनके पसंद के ही हैं ये टॉपिंग्स, ये भी सारे वो नहीं खाते हैं। तो इसको अच्छे से टॉप कर देने के बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी सीजनिंग। और सीजनिंग में मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स और साथ ही साथ पिज़्ज़ा सीजनिंग। इससे टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। आपको अलग अलग से हर्ब्स, ऑर्गेनो, दिस एंड दैट डालने की ज़रूरत नहीं है। एक पिज़्ज़ा सीजनिंग अगर आप डाल देंगे तो यू आर ऑल सॉर्टेड। अच्छे से स्प्रेड करके मैं इसे लगाऊंगी बेकिंग में। मैं दोनों ही प्रोडक्ट केया के यूज़ करती हूँ, अच्छी क्वालिटी है, टेस्ट भी अच्छा है। तो स्प्रिंकल कर देने के बाद मैं इसे ऑलरेडी प्री हीटेड ओवन पे लगाऊंगी 10 मिनट्स के लिए ऑन मैक्सिमम टेम्परेचर। आप थोड़ा उस पर नज़र रखिए बिकॉज अलग अलग ओवन अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। मेरे वाले ओवन में 10 मिनट्स में ये हो जाता है।
और आप देखिए क्रस्ट भी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, एकदम परफेक्ट ब्रुशेटास तैयार हुए हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा बच्चे लोगों को बहुत बहुत पसंद आता है और बस 10 से 15 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को बनने में, और आप जब भी उन्हें ऑफ़र करोगे वो पूरा प्लेट खाली करके देंगे आपको। डू ट्राई दिस वंस। और अब टाइम है कि मैं सारे कपड़ों को जगह पे रखूं। दोपहर में ही सारे कपड़े मैं हमेशा फोल्ड करती हूं, सुबह से इस वक्त तक वो लगभग सूख जाते हैं। और अभी मैं सब कपड़ों को प्रॉपरली फोल्ड करूंगी और जो कपड़े जिस अलमीरा में जाएंगे उस हिसाब से उन्हें कैटेगराइज करके इनको वापस अलमीरा में रखूंगी। एंड इट्स इवनिंग टाइम, मेरे हस्बैंड घर आने वाले हैं चाय पे, तो मैं उनके लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा, आलू पोहा आप इसे कह सकते हैं, बटाका पोहा, बटेटा पोहा एज यू कॉल इट, हम लोग इसे बटाका पोहा बोलते हैं गुजरात में। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक ऑनियन तैयार कर लूँगी और दो आलू को छील कर बारीक बारीक काट लूँगी। आप पोहे में आलू को जितना छोटा काटेंगे वो उतना ही अच्छा टेस्ट करेगा, तो कोशिश करें कि आलू के साइजेस इवन हों और छोटे हों। तो इनको तैयार कर लेते हैं काट कर एंड छील कर। आलू को धो लेने के बाद बारीक बारीक काट लें, और काट लेने के बाद भी एक बार आप उसे ज़रूर धो लें, इससे उसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाएगा, इसकी वजह से आलू चिपके चिपके रहते हैं, तो दो ज़रूर लीजिए। और मैं ये आलू कढ़ाई में नहीं फ्राई करूँगी, टाइम बचाने के लिए इस वक्त मैं इसे माइक्रोवेव में कुक कर लेती हूँ। माइक्रोवेव में कुक करने के लिए कटे धुले आलुओं पे आप लगभग एक चम्मच जैसा तेल स्प्रिंकल करें, पूरा स्प्रेड करके उसे अच्छे से कोट कर लें, और फिर ये बाउल जाएगा, इसको ढकना बहुत ज़रूरी है, तो माइक्रोवेव में रखिए 5 मिनट्स के लिए ऑन हाई लेकिन अच्छी तरह से ढककर। तो जब तक ये आलू अच्छे से पकते हैं मैं पैरेलली पोहा की बाकी तैयारी कर लेती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने सबसे पहले जीरा राई डाला है, वो स्प्लटर हो जाए उसके बाद फिर मैंने उसमें ऑनियन डाला था, एक बड़ा प्याज और लगभग 3-4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपको कितनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपको कितना तीखा पोहा चाहिए, तो 3-4 हरी मिर्चें मैंने यहाँ डाली हैं। दोनों को मैं अच्छे से सौते करूँगी, अच्छे से भून लेने के बाद मैं फिर इसमें ऐड करूँगी बाकी के मसाले। आगे मैं इसमें जो मैंने आलू पकाए थे वो ऐड करने के बाद हल्दी, थोड़ी सी शुगर डालने के बाद इसे अच्छे से रोस्ट करूंगी और इसमें ऐड कर दूंगी मेरा ऑलरेडी सोक्ड पोहा। सबसे पहले आप जब कुकिंग जब शुरू करते हैं पोहा के लिए तो जो पोहा है उसको अच्छी तरह से धोके सोक करने रख दीजिए विदाउट वाटर, सिर्फ धुले हुए पोहा को इस तरह ड्राई सोक कीजिए, और इससे ये तब तक अच्छे से भीग जाएगा और बहुत सॉफ्ट आपका पोहा बनेगा। सब कुछ अच्छे से मिला देने के बाद फिर इसमें लास्ट में ऐड किया जाएगा एक नींबू का रस। तो जब आपका पोहा ऑलमोस्ट डन होने आए तब आप इसमें मिलाइए नमक, थोड़ा सा गरम मसाला मैं डालती हूँ, आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, और एक नींबू का रस। तो ये था पोहा का रेसिपी, पैरेलली मैंने चाय भी चढ़ा दी है।
और चाय भी लगभग तैयार हो चुकी है। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके आपके सजेशंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।